नमस्कार, डायलॉग एट डीडी। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। 3 साल मोदी सरकार, और इन 3 सालों में पीछे मुड़कर देखने का वक्त ये जरूर है जब 3 साल पूरे होने को हो रहे हैं। और आज हम 2 विषयों को इस कार्यक्रम में उठा रहे हैं। हम बात आज करेंगे शिक्षा की और महिला बाल विकास की। हम सब जानते हैं कि कोई भी समाज आगे तभी बढ़ता है जब वो शिक्षित हो। हम यहाँ परिचय कराना चाहेंगे अपने दर्शकों से। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी यहाँ जुड़ गए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जावड़ेकर जी। जैसे कि अभी हमने बात की महिला और बाल विकास की, हम बात करना चाहते हैं आपसे शिक्षा के क्षेत्र में। ये बताइए, वैसे तो अभी वक्त आपको 10 ही महीने हुए हैं, लेकिन 3 साल में आपको क्या लग रहा है मानव संसाधन विकास मंत्री, और खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कितना मैदान मार लिया है? ऐसा है, पहले तो 3 साल में ये सरकार ने जो काम किए है इसका पूरा लेखा जोखा हम लोगों के सामने रखने वाले है ही, और आप भी अलग अलग कॉन्क्लेव में इसकी चर्चा करोगे जी। लेकिन एक एबल लीडरशिप एंड स्टेबल गवर्नमेंट, एक करप्शन फ्री गुड गवर्नेंस, गांव गरीब किसान को समर्पित सरकार, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने के प्रयास में सरकार, और इसके साथ साथ अपने इकोनॉमी को बहुत बेहद तेजी से आगे बढ़ाने वाली सरकार, ये इसके अनेक मायने हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमारा सबसे बड़ा काम यह हमने तय किया कि पिछले 7 दशकों में शिक्षा का विस्तार हो गया, लगभग 98% एनरोलमेंट हो गया। लेकिन सब तक शिक्षा पहुंची, लेकिन क्वालिटी का गुहार है अब बिल्कुल, और इसलिए सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और खासकर गवर्नमेंट स्कूलों की, जिला परिषद के स्कूलों की शिक्षा बेहतर बने। और मुझे अच्छा लगता है कि 3 साल के प्रयासों से राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना, 4 राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक नया ट्रेंड, जहां अच्छा शिक्षा में सुधार हुआ, वहां प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल निकाल के पेरेंट्स सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। शिक्षा का विस्तार जो करना था वो हमने 7 नए IIMs खोले, नागपुर, सिरमौर, संबलपुर, अमृतसर, बोधगया, जम्मू, विशाखापट्टनम, 6 नए IITs शुरू किए, जम्मू, भिलाई, धारवाड़, गोवा, पलक्कड़ एंड तिरुपति, 1 नया IIIT शुरू किया कांचीपुरम में, 2 नए ISRs शुरू किए तिरुपति और बेहरामपुर में, और 1 नया NIT एस्टेब्लिश किया, 1 मोतिहारी की केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय शुरू किया, और 97 केंद्रीय विद्यालय, 47 पूरे हो गए जिनके उद्घाटन अभी हो रहे हैं, इस साल से पूरे शुरू होंगे, और 50 नए सैंक्शन किए हैं, उसकी भी काम बहुत जोर से शुरू है, 62 नए नवोदय विद्यालय, क्योंकि यही तो शिक्षा का संबल है, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन है, लोगों की मांग है, और उसका विस्तार बहुत ज्यादा गति से करने का हमने सोचा है, और यह हमारी बड़ी पहल है जी। अभी मेनका जी ने एक सवाल उठाया है हमें, जहाँ हम जानते हैं कि उन्होंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी, और वो ये कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उसमें पिता का नाम अगर ना हो तो माँ का नाम दिया जा सकता है, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से, और क्या इसके विषय में काम? मनेका जी के साथ मैं चर्चा भी करूंगा, क्योंकि मुझे 2 ही मुद्दे उसमें थे कि मैं तो तैयार हूं इसलिए कि ये स्टूडेंट्स का चॉइस है, ए उसको उसमें शिक्षा भी देने की जरूरत होती है, लेकिन पिताजी के साथ माताजी का नाम भी लगाना एक बात होती है, और जहां वो माता का ही नाम लगाना चाहता है तो वो भी आजादी होने की बात है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। बिल्कुल मेनका जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई जिनके ऊपर लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, लेकिन महिला सुरक्षा का एक ऐसा विषय है जिस पर हम ये नहीं कह सकते कुछ हुआ नहीं है, उस पर काफी कुछ किया गया है, और जो कहते हैं जो नियत है वो बहुत साफ है कि महिलाओं को हमें सुरक्षित करना है, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि इजाफा ही होता चला जा रहा है ऐसी घटनाओं में? मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ जो हमने किया है। सबसे पहले, जहाँ औरतें कम होती हैं, मर्द ज्यादा, वहाँ वायलेंस बहुत बढ़ जाता है, और हमारा देश आधे में बटा है। वेस्टर्न इंडिया में 830-850 औरतें हर 1000 मर्द के लिए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आते ही ये प्रोग्राम अनाउंस किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें हम लोगों को 100 जिले दिए गए थे,
जो सबसे मुश्किल में थे, लगभग 830 से कम थे. तो हम लोगों ने बहुत जोर शोर से इन पर कॉन्सेंट्रेट किया और हर तरीका अपना लिया. वी मेड हॉस्पिटलाइजेशन फॉर डिलीवरी कंपल्सरी. वी मेड पीसीपी एनडीटी एक्ट वेरी स्ट्रिक्ट. हम लोगों ने दुनिया भर के एनजीओस को मिला दिया, यहाँ तक कि दादा दादी, चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया और उनके ऊपर नज़र रखा. 200 चीज़ें की. नतीजा ये हुआ, जो चीज़ कभी नहीं हो पाया था सचमुच में 40-50 साल में, वो एक साल में हुआ. हम खुद हैरान थे कि 830 से लेकर के एक ही साल में पहुंच गए हम लोग 915 से लेकर के 930. यानी कि लोगों को बदलना, लोगों की मानसिकता बदलना बहुत आसान है अगर हम सबको इन्वॉल्व करें, सबका साथ ले लें. तो एक तो ये था और इसमें वायलेंस भी घट गया. अब हम लोगों ने 61 और लिए हैं जगह और उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं. दूसरा ये है कि औरतें पर जुल्म होता है क्योंकि पुलिस वाले भी मदद बहुत कम करते हैं और औरतें भी डरती हैं थाने में जाने के लिए. अक्सर कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है क्योंकि तुमने कम कपड़े पहने या तुमने आंख मारा होगा या कुछ ऐसे. लेकिन और फिर अगर वो जाती भी हैं तो वकील ढूंढना पड़ता है, अदालत जाना पड़ता है, वहाँ सालों साल बीत जाते हैं, पैसे नहीं होते हैं और आखिर में औरत थक जाती है. तो हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की है और वो है वन स्टॉप सेंटर, जिसको हम लोग कहते हैं सखी. अभी इस वक्त इन्हीं 3 सालों में 150 सेंटर शुरू हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में. हर एक सेंटर में एक वकील, एक पुलिस वाला, एक डॉक्टर, नर्स, कंप्यूटर साइकोलॉजिस्ट सब बैठे हैं और उसमें औरत अगर हमको फ़ोन करे 181 तो एम्बुलेंस भेजा जाता है, उसको बुलाया जाता है या अपने आप आ सकती है. और कुछ भी घर में डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के मोलेस्टेशन, रेप, कुछ भी हो, अगर कोई स्टॉकिंग का भी इंसिडेंट हो तो वह आकर के शिकायत करेगी. उसके बाद हमारा काम है उसकी रक्षा करना. हम पुलिस वाले से उसका FIR बनता है, डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करता है, वकील उसका केस लड़ता है, हर चीज़ में हम मदद करते हैं. अब इसमें हजारों औरतें अभी तक आ गई हैं, उनका फ़ायदा हुआ है. तो ये भी एक रक्षा का, एक कवच का एक हिस्सा है जी. तो एक तो है समाज को बदलना जो हम लोग कर पाए बहुत जगहों में. अब हरियाणा में कभी किसी ने सोचा था कि 830 से गिरते जा रहा था, 815 800 तक पहुंचा था, किसी ने कभी सोचा था कि वो इतनी तेजी से आगे जाएंगे जी. तो जी, और अभी मेरे ख्याल से आपने ये भी तो सुझाव दिया था कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या जी, अभी वो कहने वाली थी. तीसरी जो कवच का एक हिस्सा है वो है कि हम लोग अक्सर ये कहा जाता कि पुलिस को सेंसिटाइज करो. अब मेरे बस की नहीं है पुलिस को सेंसिटाइज करना, लेकिन अगर मैं एक तिहाई पुलिस बना दूं तो वो अपने आप ही सेंसिटाइज होंगे. अगर हर थाने में 5 अगर मर्द हैं इनमें से 2 औरतें हैं तो वो बाकी 3 सेंसिटाइज हो जाएंगे. तो इसलिए अब 7 स्टेटों में और सारे यूटीज में ये तय हो गया है कि औरतों को 1/3 हिस्सा बनेंगे. उसके अलावा एक स्पेशल पुलिस महिला हम लोग बना रहे हर गांव में, जो तनखेदार नहीं है. अच्छा। लेकिन उसका काम होगा नज़र रखना कि अगर कोई औरत के ऊपर कुछ भी जुल्म हो या कोई स्कूल नहीं भेजे जा रही है और फिर वो शिकायत करेगी जी. मेनका जी, हमारे साथ में कुछ यहाँ पे जनता जनार्दन और हमारे कुछ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं. हमारे साथ नूपुर शर्मा है जो कि विमेन एक्टिविस्ट है. नूपुर, क्या कुछ सवाल आप मेनका जी से आज पूछना चाहते हैं? मैम, आई वॉज रीडिंग गोइंग थ्रू एन आर्टिकल. आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि सिर्फ चूल्हा चकारी से इस्तेमाल करके एक साल के अंदर 1 million विमेन एंड चिल्ड्रन गेट अफेक्टेड. या तो उनकी मौत हो जाती है या उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत फ़र्क पड़ता है या हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं. तो अब क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत 24 करोड़ घरों में एलपीजी का वितरण हुआ है,
ऐसे ही क्या कुछ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स आपने कुछ शुरुआत की है जहाँ पे बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया गया हो? जी, एक तो हम लोगों ने नया शुरू किया है, वो है कि हर प्रेग्नेंट महिला को 6,000 रुपये मिलेगा इन ट्रांचेस ऑफ 2,000, 2,000, 2,000, बट बेस्ड ऑन उसको वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, उसका चेकअप होगा. तो ये नहीं कि हम पैसे यूं ही भेज रहे हैं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑल द अदर एक्शंस दैट शी टेक्स, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल. एंड दिस द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड फॉर द होल ऑफ इंडिया. पहले होता था, कभी होता नहीं कभी नहीं होता था, बहुत लैकडेजिकल प्रोग्राम था 52 ज़िलों में. अब तो बहुत जोर शोर से इसके कानून रूल्स बन रहे हैं. द सेकेंड थिंग इज दैट वी आर लुकिंग एट अ न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग. बच्चे मेरे नीचे आते हैं, बाकी बच्चे इनके नीचे, लेकिन स्कूल जाने से पहले आंगनवाड़ी तक मेरे नीचे आते थे. और उसमें जो मेल न्यूट्रिशन है वो बहुत बढ़ गया था. अब हम लोग सोच रहे हैं नया न्यूट्रिशनल तरीका of delivery. I've done the pilot in Uttarakhand and it was extremely successful. In 3 months we got severely malnourished children to increase by 2 kilos just by this new nutritional tarika. So now we are going to put it in whichever state agrees, because it's a state subject. So I'm going from state to state. Assam has agreed and Uttar Pradesh has agreed. Now let's see where it goes. जी, हमारे साथ में कुछ और हमारे पैनलिस्ट हैं जो सवाल करना चाहते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी से. हम सवाल कर सकते हैं. हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी मौजूद हैं जो कि शिक्षाविद हैं और मेंबर हैं INGNCA के. जोशी जी, शिक्षा से रिलेटेड कोई सवाल आप प्रकाश जावड़ेकर जी से आज पूछना चाहेंगे? प्रकाश जी, अभी आपने शिक्षा की गुणवत्ता की बात की, पहले रीच और अब क्वालिटी की बात कर रहे हैं. बार बार ये बात कही जाती है कि हमारे देश के जो विश्वविद्यालय हैं वो विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की तुलना में कहीं नीचे हैं. तो आपने एक तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये शुरू किया और अब आप नैक को भी एकदम रिवैम्प करके उसमें कुछ क्वालिटेटिव ऐसे पैरामीटर्स बनाने वाले हैं. तो एग्जैक्टली क्या होगा और उससे दरअसल शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार होगा, इस बारे में कुछ बता सकें? मैं मानता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता उच्च शिक्षा में खासकर ये मूलतः शोध और रिसर्च एंड इनोवेशन ये कितना आगे बढ़ता है उस पर निर्भर होता है. और इसके लिए हम एक आंदोलन जैसा शुरू कर रहे हैं. रैंकिंग और असेसमेंट एंड एक्रीडेशन इज गिविंग द इंस्टीट्यूट वेयर दे स्टैंड टुडे विद द इंटेंशन कि वो आगे और बढ़े, अपने में सुधार करें. और हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क होने के बाद और नैक का एक्रीडेशन होने के बाद हर कॉलेज अपनी एक कमिटी तय कर रही है, कमिटी करके अध्ययन कर रहे हैं कि बाकी समझो आगे गए, हम थोड़े पीछे गए तो क्यों रहे, हमें आगे कैसे जा सकते हैं. तो यही तो है एक चैलेंज मोड में लोगों को बताना. दूसरा, हम 20 विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय तैयार करना चाहते हैं, 10 प्राइवेट क्षेत्र में, 10 सरकारी क्षेत्र में. तो IITs, IIMs और ICER और ये सारी अच्छी संस्था है, दुनिया में उनका मान्यता है, तो ये भी उसमें प्रतिस्पर्धे में आएंगे और प्राइवेट निजी संस्थान भी आएंगे. तो सरकारी को हम पैसा देंगे, प्राइवेट वाले खुद का पैसा लगाएंगे, लेकिन ये बहुत फ्रीडम के साथ, जैसे IIM बिल हमने लाया है, IIM बिल में IIM में अब सरकारी दखल अंदाजी कुछ भी नहीं होगी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और IIM वाले ही खुद तय करेंगे. हम एक पार्लियामेंट्री निगरानी जो होती है और CAG का ऑडिट उतने तक रहेगा. तो यह ऑटोनॉमी कॉलेज को ज्यादा मिलेगी. ग्रेडेड रेगुलेशन शुरू होगा UGC का, AICT का, कि अच्छे संस्थान है तो ज्यादा स्वायत्तता होगी, मिडिल लेवल संस्थान है तो बीच में रहे, 50-50 रेगुलेशन और स्वायत्तता रहेगी. और अगर निचले पायदान पर अभी कोई संस्थान है तो उनको ज्यादा रेगुलेशन 80% रहेगा, 20%. तो एक फ्लेक्सिबिलिटी की रेजिम जो नहीं थी, सब घोड़े 12 टक के, सज्जन की दृष्टि से आप अगर कानून करोगे तो दुर्जन
लाभ उठाते मतलब ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा और दुर्जन का समाज सामने रखकर आप कानून बनाते हो तो सज्जन को सजा होती है। ठीक है, तो इसका रास्ता हमने ये निकाला है। मतलब ये कि इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा अगर आपकी अच्छी रैंकिंग होगी और अगर आपकी खराब होगी तो आपके ऊपर कंट्रोल और रेगुलेशन पड़ेगा क्योंकि आपकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। बिल्कुल सही। हमारे साथ यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ जी है जो की एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ की आज आपके प्रयासों के द्वारा हर स्टेट में एक IIT और IIM हो गई है, पर हम आए दिन एक कई समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि वहाँ पे फैकल्टी की बड़ी एक्यूट शॉर्टेज है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की आपने बात की कि आप बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी बहुत बड़े पैमाने पे और ये जरूरी था देश में, इसके लिए मतलब आपको हार्दिक धन्यवाद एक शिक्षाविद के रूप में। पर इस क्वालिटी जो प्रोफेसर्स हैं वो क्वालिटेटिव प्रोफेसर्स मिल नहीं रहे IIT IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, इसके बारे में कोई आपके मन में ठोस योजना है जिसको आप आगे ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, हमने IIT काउंसिल की पिछले सप्ताह ही बैठक हुई तो एक तय किया कि दुनिया भर में बहुत प्रतिभाशाली भारतीय जो वहाँ जाते हैं पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए, और बाद में वही रुक जाते हैं या वहाँ पढ़ाने लगते हैं। हम विशेष प्रयास करके उनके वहाँ इंटरव्यू करेंगे सब मिलके और वहाँ के हमारे प्रतिभाशाली छात्रों को वापस यहाँ लाएंगे। उनको बेहतर सैलरी अभी है, बेहतर आज़ादी होगी, बेहतर उनको रिसर्च के अवसर होंगे और उनको फ्रीडम ऑफ रिसर्च, फ्रीडम ऑफ कंसल्टेंसी, एक निश्चित मात्रा में पढ़ाने की जिम्मेवारी, रिसर्च का गाइड करने की जिम्मेवारी होगी। लेकिन जो विदेशी संस्थाओं के रहते हैं जिस कारण, वो सब यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ लोग आएंगे और आने लगे हैं, ये प्रयास तुरंत सार्थक होने लगा है, तो क्योंकि 30% से ज़्यादा है। दूसरा, MEd के MTech के स्टूडेंट्स और इनको PhD करने वालों को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप टीचर बनना चाहिए, कोई भी टीचर नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। शिक्षकों की बात चली है, खासतौर से प्राथमिक स्कूलों में भी शिक्षकों का बड़ा अभाव है और जो शिक्षक हैं आखिर उनकी गुणवत्ता कितनी है, ये भी एक विषय है जो कि विचारणीय है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दो मंत्री आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ मेनका जी हैं महिला और बाल विकास मंत्री और प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं मानव संसाधन विकास मंत्री और हमारे पैनलिस्ट हैं जनता जनार्दन हैं जिनसे हम बात करें। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। कांग्रेट। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1,00,000 रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जाने उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हा? चिंता मत करो क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गाँव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप
अब हर पल मेरे साथ। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। बीए एमए करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मीन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी मंजिल आपकी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम डायलॉग एट डीडी न्यूज। हमारे साथ आज दो मंत्री यहां पर मौजूद हैं और हम 3 साल मोदी सरकार के जो कार्य हुए हैं उनका आकलन कर रहे हैं। हमारे साथ मेनका संजय गांधी जी हैं जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं और प्रकाश जावड़ेकर जी मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे साथ हैं और जनता जनार्दन और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। हम कुछ सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे। हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा जी मौजूद हैं जो कि एनबीटी के अध्यक्ष हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। बलदेव भाई आप किससे सवाल करना चाहेंगे? मेनका जी से। माननीय प्रकाश जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। अभी बड़ा जो वर्णन आया है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है, बड़े संस्थान खुल रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, साक्षरता दर बढ़ रही है। लेकिन एक चिंता हमेशा की जाती है कि कोठारी आयोग से लेकर ये बात शुरू हुई कि शिक्षा में विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दी जाए, तो शिक्षा का विस्तार तो बहुत हो रहा है पर मन का संस्कार बिगड़ रहा है। अगर मन का संस्कार बिगड़ेगा तो ये शिक्षा कैसे देश और समाज के लिए उपयोगी होगी? तो मन के संस्कार की दृष्टि से भी क्या सरकार के द्वारा कुछ किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो मैं हमेशा मानता हूं कि विषय का ज्ञान शिक्षा का एक हिस्सा है, कौशल जो रोजगार देता है वो दूसरा हिस्सा है। आखिर शिक्षा का उद्देश्य है कि एक अच्छे इंसान का निर्माण हो, ये उद्देश्य है। और इसलिए अच्छे इंसान के निर्माण के लिए उसमें वैल्यूज आती है मानवता की, सदाचरण हो, भाईचारा हो, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना हो, एक दूसरे का सम्मान करना हो, कंपैशन हो, एम्पथी हो, ये सब आना है, ये वैल्यूज है। तो ये सब आने के लिए हमने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है कि हम इस अवकाश में जब अभी एग्जाम खत्म हुए हैं तो स्कूल के लेवल पे हम 5 शिविर अभी कर रहे हैं। एक तरह से चिंतन शिविर है हमारे या शिक्षण मंथन है, पुणे में और रायपुर में हुआ, अभी गुवाहाटी बंगलोर और चंडीगढ़ में होंगे। शिक्षा के सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठा आते, जो अच्छा काम करते हैं वैल्यू एजुकेशन में वो भी इकट्ठा आते, वो हम कैसा काम करते हैं वो दिखाते हैं, सबके सामने पेश करते हैं। संस्थान भी आ रहे, मुख्याध्यापक आ रहे, शिक्षक आ रहे और प्रमुख अधिकारी आ रहे, 5-5 राज्यों का एक एक शिविर हो रहा है और उससे हम एक मंथन के बाद इसकी एक निश्चित रूपरेखा तैयार करेंगे और ये वैल्यू एजुकेशन यानी मानवता के मूल मूल्य और जीवन के लिए संबल देने वाले अच्छे मूल्य जो समाज को उपयोगी होते हैं, ये मूल्यों का भी उसमें है। शारीरिक शिक्षा भी आज लगभग खत्म है, वो भी देने की जरूरत है। डिजिटल शिक्षा का एक नया तंत्रज्ञान हमारे पास है, उसका हम अलग अलग तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसको भी देना है। और इसलिए एक सार्थक शिक्षा हो, बिल्कुल एक संपूर्ण शिक्षा हो, इसके दिशा में हम जाना चाहते हैं और उसका अभी बहुत हमारे अच्छा साथ प्रकाश जी प्रोफेसर सिमरित कौर भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज डीयू से आती हैं। पूछिए अपना सवाल। असदी मेजर कंसर्न इज वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड अलोंग विद इट आर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी। द गवर्नमेंट हैज टेकन एम्पल इनिशिएटिव्स इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, yet the gaps are very, very wide. So what steps, if any, are there beyond these steps which have already been initiated by the government? हम जो करना चाहते हैं कि employability आना, तो अभी हमने एक प्रयोग किया कि इंजीनियरिंग के छात्र है, आज 40% या 60% इंजीनियरिंग छात्र employable नहीं है, ऐसा रिपोर्ट आया। तो इसको क्या करें, उनको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट देना चाहिए। तो एक हमने अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया, इंजीनियरिंग के 2000 इंस्टीट्यूट से 42,000 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। ये अजीब एक नया प्रतिस्पर्धा हुई कि जिसमें 30 मंत्रालयों ने 600 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जिसके डिजिटल सॉल्यूशन चाहिए आज है नहीं। तो ये चैलेंज के रूप में हमने ये 42,000 विद्यार्थी जो स्वयं होके उसमें आगे आए उनको हमने दिए, उन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम की समीक्षा हुई और जो 10,000 छात्र उसके फाइनल राउंड में लिए और वो 1 और 2 अप्रैल को
36 घंटे अथक बैठे सुबह 8 से दूसरे दिन रात को 8 बजे तक, और उसका प्रोडक्ट 200-250 अच्छे आइडियाज और अच्छे प्रोटोटाइप्स तैयार हुए, कोड तैयार हुआ, अब उसको आगे लेकर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्रत्यक्ष जब अनुभव होता है, अवसर मिलता है, तो छात्र अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, यही उनको एम्प्लॉयबल बनाएगा। और अगले साल और हर साल ऐसी अनेक अनेक प्रतिस्पर्धा की जिससे एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़ेगी, उसकी क्रिएटिविटी को चैलेंज मिलेगा और वो निखर के बाहर आएगा, तो उसको एम्प्लॉयमेंट है ही। हमारे साथ यहाँ रामकृपाल जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, मेनका गांधी से आप सवाल करिए। मैं पिछले दिनों, जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड में जो आपने एक प्रयोग किया है, मैं कहीं सुन रहा था रेडियो पर भी आपको, काफ़ी एक इंटरव्यू अभी कल परसों में ही कहीं सुना है मैंने। मेरा वो ऐसा सवाल है कि आपसे भी है, प्रकाश जी से भी है, दोनों का जो कि बचपन जो है स्कूल में भी बीतता है वहाँ। एक मेरी जो समझ में आई थी आपकी बात, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें यह कि जैसे मैंने पुष्टाहार है बच्चों को जो दिया जाता है, ईमानदारी की बात यह है कि जो, हालांकि ये तो स्टेट सब्जेक्ट है एजुकेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन ये तय है कि जो बचपन में इतना ख़राब ढंग से जो चीज़ें दी जाती हैं बच्चों को, और जो बहुत गरीब बच्चे हैं जो सिर्फ ईमानदारी की बात है सिर्फ खाना खाने के लिए वहाँ जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जैसा आपने उत्तराखंड में आप कर रही हैं कि राज्यों से भी बातचीत करके कोई एक ऐसी योजना, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश तैयार है, उसमें कुछ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले हैं जिसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो सकता, वो कोई ऐसी चीज़ें दी जाएँ, चाहे ड्राई फ्रूट हो चाहे जो भी हो, जिनसे कम से कम ये हो कि बच्चों को कम से कम उतनी चीज़ें तो मिल गई। एक आपसे प्रकाश जी, आप लोगों ने कौशल विकास शुरू किया, जाहिर सी बात है कि इस सरकार का ये उद्देश्य था कि जो लोग इस लेवल पर हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते उनको एक एम्प्लॉयबल, ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत ये है कि अप टू 12th स्टैंडर्ड बच्चे को सरकारी स्कूल में कोई नहीं भेजना चाहता, सब प्राइवेट भेजना चाहते हैं। लेकिन 12th के बाद ईमानदारी की बात है कि हायर एजुकेशन में कोई प्राइवेट में नहीं भेजना चाहता, सब सरकारी में भेजना चाहते हैं। सही है। मैं बताऊं आपको, शायद पैसे की भी एक बड़ी वजह है उसमें। नहीं, इसमें बेसिक जो सवाल यह है कि देखिए, आप आईआईटी आईएम्स खोल देंगे, टॉप 10% के लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो टैलेंट है, बात उनकी नहीं, बात है जो 90% है, जिसमें से बेल कर्व अगर आप करते हैं तो 40% 60% जो किसी लायक नहीं है, लेकिन चूंकि आराम से उनको एमए की डिग्री मिल जा रही है, तो ये जो हम साक्षर बेरोजगार पैदा कर रहे हैं, और फिर जो एमए कर लिया और बहुत सारे लोग तो पीएचडी भी कर ले रहे हैं, उनको आप फिर कौशल विकास की तरफ भी नहीं ले जा सकते। नतीजा क्या है कि वो न तो स्किल लेबर हो पा रहे हैं, न पढ़े लिखे। ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए कि प्राइवेट, ये जो तमाम मशरूम की तरह खुले हुए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां 2000 रुपए की नौकरी पर प्रोफेसर लोग बनाए गए हैं, सिर्फ एमए पास में पढ़ा रहे हैं। रामकृपाल, मेरे ख्याल से पहले मेनका जी जवाब दें, जो न्यूट्रिशन की बात उठाई उन्होंने, बच्चों को जो प्रदान किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो न्यूट्रिशन है वो जावड़ेकर जी से पहले हमारा फर्ज बनता है कि उन बच्चों को ऐसे न्यूट्रिशन दे दें कि वो उस लायक हो कि स्कूल भी जा पाए। और अभी तक तो बहुत ही बुरा किस्म का, जैसे आपने कहा है, हर स्टेट में एक हॉरिबल मिक्सचर ऑफ दाल, वेरी चीप दाल, आटा, चीनी और चावल एंड तेल, इसको मिक्स करके उनको दिया जाता है। आधा तो उनके पास पहुंचता भी नहीं है, कभी बना है कभी आधा पका। तो हम लोग, मैं पिछले एक साल से प्रयास कर रही हूँ कि इसको रिमूव करके हम लोग पैकेट में एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम दे दें, जैसे उत्तराखंड में दिया। इसमें हर चीज़ हो, मिलेट्स, मूंगफली, अन्य चीज़ें हैं, एक पूरी वो बनी है, उसका एक पाउडर बना है, उसको अगर आप डाल दें जूस में, पानी में, दूध में, जो आप चाहें, तो इट गिव्स यू द इंटायर न्यूट्रिशन फॉर द डे। ये इसी के साथ हम लोगों ने पायलट किया था और वो बहुत ही सफल रहा। नाउ इफ इंस्टेड ऑफ एवरी डे द आंगनवाड़ी गिविंग दिस, हम 30-30 पैकेट माँ बाप को दे दें हर महीने, उसके ऊपर स्टैम्प कर दें नॉट फॉर सेल, ताकि कोई उसकी बिक्री नहीं हो, उसकी चोरी नहीं हो सके, एंड वी हैव सीन अ ह्यूज डिफरेंस। अब सवाल ये है कि द स्टेट्स हैव टू एक्सेप्ट दैट दे कैन डिलीवर न्यूट्रिशन रादर देन कच्चा पक्का खाना। अगर ये हो सके, और ये जल्दी हो जाएगा,
we will bring a completely qualitative difference in malnutrition. Prakash ji. एक ऐसा है कि जैसे अनेक राज्यों ने मेनका जी ने जैसे कहा कि दूध केले अंडे ये भी देना किया है तो अलग अलग तरीके से राज्य भी इसके प्रयोग में इसलिए लगे हैं क्योंकि सही में अच्छा खाना मिले. जहाँ तक मिड डे मील स्कूल का है, मिड डे मील का है, मैं बात करूँगा बहुत अभिमान से कि 10 करोड़ छात्र रोज मिड डे मील 11,50,000 स्कूलों में खाते हैं. ये साधारण संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी. दुनिया में ऐसा मिड डे मील प्रोग्राम कहीं भी नहीं चलता इस स्केल का. और इसलिए इसमें देखो कभी कभार न्यूज़ आती है जो न्यूज़पेपर में कहीं कुछ चिपकली आया, ये आया या कुछ पॉइजनिंग हुआ, ये बहुत यानी परसेंटेज बहुत ही कम, यानी एकदम वो तो जीरो होना चाहिए लेकिन बहुत ही कम है. सक्सेस स्टोरी ज़्यादा है. दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट सक्सेस स्टोरी. उसमें अभी महिलाओं को वो स्वयं सहायता समूह को दिया है तो उनके ही बच्चे होते हैं स्कूल में तो प्यार से भी करते हैं. और जो कुक्स हैं उनको भी हम अभी नया कार्यक्रम किया है कि प्रशिक्षित भी करें रुचिकर खाना और हाइजीनिक खाना बनाने का. हर ब्लॉक में दो दो दिन का प्रशिक्षण होगा उनको सरकारी खर्चे से, तो उसका भी एक अच्छा प्रोग्राम. जी जावड़ेकर जी, एक सवाल उन्होंने और किया था वो ये था कि कौशल का कौशल का मुद्दा और जो मशरूमिंग हो रही है. नहीं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मशरूमिंग है वो मुझे लगता है सरकारी स्कूलों की जैसे गुणवत्ता बढ़ रही है तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना और आंध्र में हमने देखा कि वहाँ छात्रों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर फिर से सरकारी स्कूलों में लोग दाखिल कर रहे हैं क्योंकि जहाँ सार्थक शिक्षा का प्रयास हुआ. और यही माहौल सब देश भर में हो एक साल दो साल में, यह हमारा प्रयास है. यह स्कूल के लेवल पे हायर एजुकेशन का है. जैसे आपने कहा सरकारी संस्थान को ही सबके पसंद ये है क्योंकि फीस बहुत कम है और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा लेकिन है. वहाँ पे एडमिशन तो, कहाँ मिलता है वहाँ सीट नहीं वो मिलती? ऐसा है, इसके लिए एक्सपांशन भी करना है. लेकिन प्राइवेट भी संस्थाओं का योगदान है, उनको भी अच्छी, लेकिन उसमें फीस का देर इज डेफिनेटली ए कॉस्ट टू एजुकेशन. तो वो कॉस्ट ही हो, उसमें मुनाफेखोरी ना हो, माफियागिरी ना हो और ठीक तरह से. बहुत संस्थान अच्छे भी चला रहे, कुछ संस्थाने अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हम लगाम कस रहे हैं. एक और पूरक प्रश्न ये बनता है कि सीबीएसई के विद्यालयों को जो कि प्राइवेट चलाते हैं लेकिन सीबीएसई का उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद कोई नहीं पूछता. आप खुद कहते हैं कोई अफसर भी नहीं आता पूछने के लिए, तो वो मनमानी उनकी चलती है, कई लेवल्स पर चलती, फीस में भी चलती है और पाठ्यक्रम में भी चलती है और गुणवत्ता पे भी कंट्रोल नहीं रहता. उसके लिए विशेष तौर पर आपकी सरकार ने क्या कुछ किया? राज्यों के अधिकारी ऐसा मानते थे और सीबीएसई स्कूल भी ऐसा मानती थी कि राज्यों का यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, वो तो आ ही नहीं सकते, हमें तो सीबीएसई की मान्यता मिली है. सीबीएसई एक बोर्ड है, वो मान्यता देती है स्कूलों को लेकिन उनके पास कोई इंस्पेक्शन की यंत्रणा नहीं है. और इसलिए राज्यों का यह अधिकार है और गुजरात ने यह प्रयोग शुरू किया और गुजरात ने फीस रेगुलेशन के लिए भी एक कमेटी बनाई. 1500 रुपए तक जहाँ फी है उसकी पहले जांच नहीं करेंगे, 1500 से ऊपर फी है अगर महीने की तो उसके लिए एक कमिटी बनी जज के नियुक्ति में, वहां फी का निर्धारण होगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा और वो होगा. और हमने भी एक सर्कुलर इस साल प्रयोग शुरू किया कि एनसीईआरटी की किताबें अच्छी है मिल रही है, 500 रुपए में जो किताबें मिलती है वो प्राइवेट पब्लिशर की 5000 रुपए में मिलती है. तो हमने इस साल एनसीईआरटी की कितने किताब भाई वॉलेंटरली बताओ जिनको चाहिए हम एनसीईआरटी की किताबें समय पर पहुंचाएंगे. तो 2000 से ज्यादा स्कूलों ने हमारी किताबें मांगी और हमने प्रोवाइड की. जी, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों की उपलब्धता एक तो नहीं होती, नहीं, एक बात. दूसरी बात यह कि उसकी प्रिंटिंग इतनी खराब होती है कि उसमें पेजेस बीच में से गायब होते हैं, ये भी एक प्रकार जी बहुत बड़ा इशू है. 2000 और वो बिल्कुल लुभावनी नहीं होती बच्चों के लिए, इसलिए 2000 की प्रिंटिंग इतनी खराब होती है कि बच्चा उसको पढ़ना ही नहीं चाहते. 2018 में ये बहुत अच्छा होगा लेकिन पैकेजिंग केवल मुद्दा है तो अलग है, कंटेंट अच्छे ही है. नहीं, पैकेजिंग की बात करें हाँ तो ढंग से होगा. इसमें बहुत क्या कहूँ, एक एक व्यवस्था ऐसी सड़ी हुई थी जो हमें विरासत में मिली जी. उसको ठीक करना यानी मुझे रोज आधा आधा घंटा एक एक चीज का कंटिन्यूअस फॉलोअप करना पड़ता है जी. वीकली रिव्यू ये करती थी अच्छा. तो एक दिन मैंने इनके
वहाँ खाने पर गया तो मैंने देखा वीकली रिव्यू आज, तो मैंने भी मेरा शुरू किया वीकली रिव्यू। तो हर वीकली रिव्यू करना पड़ता है तब जाके जी ये होता है, और हम करेंगे, बदलाव आएगा, लोगों को सस्ती और अच्छी किताबें मिलेगी, और किताब और यूनिफॉर्म का धंधा ना करें, ये मेरी सबसे अपील है। क्योंकि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म चाहिए तो आप बैच केवल दे सकते हैं 25 रुपए में, बाकी आप कलर जो बताओगे उसमें पेरेंट्स अपना अपना कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। फीस निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों जैसे नहीं हुई, एक सरकारी छात्र पर हम 18,000 से 20,000 रुपया खर्चा करते हैं साल में, और उससे कुछ फीस नहीं ले रहे, तो वैसा तो होगा नहीं। जो प्राइवेट स्कूल निकालेगा तो उसका खर्चा है जो सरकार का है उतना है, उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सही कॉस्ट हो, मुनाफेखोरी ना हो और लूट का भाव लोगों में पैदा ना हो, ये जरूरी है, और हम देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुनाफाखोरी और ये लूट अगर शिक्षा के पूरे उससे निकल जाए तो वाकई देश कहां से कहां पहुंच सकता है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेते हैं। 3 साल मोदी सरकार, क्या कुछ प्रयास, क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं और क्या कुछ चुनौतियां, इन पर बात हो रही है, जनता जनार्दन से भी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी, चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गाँव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो, अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना, आपके लिए सीखे और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। NGO से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आप हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं डायलॉग एट DD News, और हमारे साथ दो केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मेनका गांधी जी हैं और प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं, जनता जनार्दन और विशेष पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, और जनता जनार्दन में से सवाल हाथ उठे हैं। जी मैडम, पूछिए, आपका सवाल किससे है, पूछिए। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो हायर एजुकेशन के लिए है। अभी सर ने कहा कि हम विदेश से जो फॉरेन चले जाते हैं उन स्टूडेंट को, PhD को हम हायर करते हैं जिससे क्वालिटी एजुकेशन हो। मेरा सवाल है, IIM में आप FEM स्टूडेंट करवाते हैं और वो बच्चे 4-5 साल बहुत मेहनत करते हैं, और जब आपके यहाँ अप्लाई करते हैं उनके इंटरनेशनल जर्नल्स भी हैं, उसके बाद जब अप्लाई करते हैं शॉर्ट लिस्ट करते समय उनको ये कह के नहीं किया जाता अंदर खाते
कि हम FPM स्टूडेंट को हम शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो मेरा ये कहना है कि आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि आपके इंस्टीट्यूशन से कोई बच्चा PhD करके निकल रहा है, उसकी काबिलियत को भी आप गौर करें प्रकाश जी, और उसको भी महत्व दें। सहमत हैं आप? एक बताया है, इसको मैं देखूंगा क्या है और उसको पर्टिकुलर एक केस नहीं है, मेरे अपने परिचय में भी है, मैं नहीं नाम लेना चाहती, लिख के दीजिए, पर मैं चाहूंगी कि आप FPM स्टूडेंट को अपने यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी से ज्यादा महत्व दें। जी पीछे जरा माइक दीजिएगा प्लीज। इनका जिसे सवाल है कि 3 तलाक को लेकर आपका मंत्रालय महिलाओं से संवाद करने या फिर कोर्ट में उनका पक्ष रखने के बारे में क्या कर रहा है? नहीं, हम लोगों ने अदालत पर छोड़ दिया है। यहाँ से एक बच्ची ने हाथ उठाया था, जरा उन्हें माइक पकड़ाइए। हाँ जी पूछो, खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, I would firstly like to appreciate the efforts that the government has been taking for PhD scholars in particular, especially for women, like including maternity leave, etc. However, a lot of students still do not pursue PhD because of lack of facilities, especially in government institutes. Like for example, there are not access to databases, and the amount of fellowship that we get is very minuscule compared to the amount of fellowship students get when they do PhD abroad. Okay. So now that you are focusing on brain drain and you know trying to bring in those students back in India, shouldn't it be possible for you to take some more measures in this area, especially? जी प्रकाश जी, हमने इसी सप्ताह एक निर्णय लिया है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो विदेशों में स्कॉलरशिप पे जाते हैं, तो वहाँ अगर स्कॉलरशिप एक अट्रैक्शन है तो यहाँ भी हम 75,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप PM स्कॉलरशिप के नाम से देंगे। ये एक निर्णय किया है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च लैब भी मिलेंगे, तभी तो वो यहाँ रिसर्च करेगा, और फॉरिन लैब को भी 1 साल जाने का परमिशन देंगे, उसका भी खर्च वहन करेंगे। तो वी वॉन्ट टू रिटेन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन दिस कंट्री। ओके जी पूछिए अपना सवाल। आंगनवाड़ी योजना आपकी कई सारी योजनाओं के जो निचले स्तर पर लागू होती है उनको लागू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन आंगनवाड़ी योजना में जो कार्यकर्त्री महिलाएं हैं उनका दैनिक भत्ता एक नरेगा मजदूर से भी काफी कम है। तो क्या 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी तो लाखों आंगनवाड़ी महिलाओं की आपसे उम्मीदें थी कि वो भत्ता बढ़ेगा, लेकिन अभी तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकेंगे? ये बात सही है कि उनको कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये एक वॉलंटरी स्कीम थी जब शुरू हुई थी, और चलते 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 फिर एक ये इसको सैलरी मानने लगे, जो ये नहीं है। लेकिन उनको मिलता है 3,000 रुपये बेसिक जो हम भेजते हैं, और हर एक स्टेट का काम है इसको ऐड करना। तो कहीं कोई स्टेटों ने 6,000 रुपये दिया है, कहीं ने 3,000 रुपये दिया है, कहीं ने 5,000 रुपये, तो ये इतना कम नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बस ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 200 रुपये बढ़ाते हैं और 100 रुपये, और अब क्योंकि हमारी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में तो शायद इसको बढ़ा। जी मेनका जी, एक सवाल मेरा भी था सी सेक्शन को लेकर, खासतौर से गैर जरूरी सी सेक्शन को लेकर आपने एक मुहिम को बहुत ताकत दी है, ये मुहिम जो है किस तरफ जा रही है और क्या कुछ हासिल कर पाए हैं हम अभी तक? हमें बहुत सारे लोगों ने साइन किया था कि मैं देखूं कि सी सेक्शन औरतों के ऊपर एक जुल्म बराबर है, क्योंकि उन आधों को मालूम ही नहीं है कि कितना इन्वेसिव है, कितना दर्द होगा, कितनी देर लगेगी उसको ठीक करने में जी। और गायनोकोलॉजिस्ट की आदत ही हो गई कि प्राइवेट में कि सी सेक्शन करना। तो मैंने सबसे पहले नड्डा जी को ये मांग की, जो वो मान चुके हैं, एक छोटी सी चीज़ जिससे फ़ायदा होगा जी, वो है कि जिस भी हॉस्पिटल में सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में एक बोर्ड हर महीने लगाएं कि कितने उन्होंने किए, क्योंकि तमिलनाडु में 72% है। ओप्स, नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल, ये 10% से ज़्यादा कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं में 50%, कहीं में 40%, तो एक धंधा बन गया क्योंकि इसमें बहुत पैसा ज़्यादा मिलता है जी। लेकिन औरत के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, दो से ज्यादा फिर बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं, इट्स अ प्रॉब्लम लेटर जी। हाँ, हमारे साथ मैडम एक मेरा अनुभव है जी। गरीब का आज भी नेचुरल डिलीवरी हो रहा है, आराम से हो रहा है, और पैसे जिनके पास है उनका ये प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। पूछिए अपना सवाल। HRD मिनिस्टर साहब से मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने बहुत खुशी की बात है कि इतने कॉलेजेस और स्कूल्स बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन मुझे सबसे अफसोस तो ये लग रहा है, अभी TV में हाल में ही दिखाया था, क्वालिटी ऑफ द टीचर्स आर सो पुअर। वो उन लोगों से पूछा गया था इंग्लिश के टीचर से कि भाई व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ ट्रांसलेशन, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ जनवरी,
दे कुंट से दैट मच ओनली. तो जब क्वालिटी इतनी पुअर है तो आप क्या एक्सपेंड करके क्या, सबसे पहले तो उन टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा या तो कोई स्पेशल आप वो प्रोसीजर जी डॉक्टर सर ओके टीचर्स को पढ़ाएं. एकदम दो लाइन में जवाब दूंगा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण कहो या टीचर एजुकेशन कहो, इसमें कंप्लीट रिफॉर्म हम कर रहे हैं, बहुत सुधार कर रहे हैं. तो इन सर्विस ट्रेनिंग भी होगा सार्थक और प्री सर्विस ट्रेनिंग में भी बहुत क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी. तो इसकी एक चुस्त व्यवस्था जल्दी हम देश के सामने सादर करेंगे और इसी साल से ये प्रयास शुरू होंगे. जी पूछिए अपना सवाल. मेरा सवाल दोनों मंत्रियों से जुड़ा हुआ है, पहले वुमेन एम्पावरमेंट और क्वालिटी एजुकेशन. पहले मेरा सवाल मेनका जी से है. मोदी जी कहते हैं कि हर हाथ में आज मोबाइल होना चाहिए, इसको बटवा बना सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पेटीएम इत्यादि सुविधाएं बनती हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात बड़ी अच्छी बात है. अभी कल ही मैं टीवी न्यूज़ पे देख रहा था, मथुरा के पास एक गांव में सरपंच ने एक तालिबानी फरमान इशू किया है कि गांव की लड़कियां अगर घर से बाहर फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ी गई पहली वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद भी नहीं सुधरे तो 21,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा. ये कहां तक वुमन एम्पावरमेंट है? ओके जी, एक बस, दूसरा सवाल. बस, इसका इसका क्या जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है. नहीं नहीं, हर सोसाइटी को पंचायत के लेवल पे एजुकेशन देने की जरूरत है. सुनो सुनो, मेरा सवाल प्राइमरी एजुकेशन से. अच्छा भाई, एक मिनट. हाँ जी, मिनका. हर सोसाइटी में दो तीन ऐसे लोग होते हैं जो तो अब उनमें से आप उनको मान लीजिए. हम लोगों ने तो आंगनवाड़ियों तक उनको सेलफोन का प्रबंध किया है ताकि वो आज के डेट में अपने बच्चों को वे करके हमको तस्वीरें भेजे ताकि हमको पता चले डिजिटली कि मेल नरिशमेंट किसको है किसको नहीं है और उस पर हम फौरन काम करना शुरू करते हैं. तो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द न्यू डिजिटल एज. एंड जी हाँ, आप पूछिए सवाल. हाँ, इधर एक लड़की बैठी है, पहले उसको मौका दें. मेरा आपसे सवाल है. अच्छा चलो, जो बच्चे अभी भी रेड लाइट पे जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं मैम, उनकी क्या मजबूरी है, वो कौन सा कारण है जो उनके नन्हे नन्हे हाथों से भीख मंगवा रही है मैम? उनके हाथों में कॉपी पेंसिल होने के सिवा उनके हाथ में कटोरा देके जी. ओके, बहुत सारे बच्चे किडनैप होते हैं या घर छोड़ करके चले आते हैं सोच करके कि शहर में कुछ मिलेगा. यहाँ गैंग्स इंतजार करते हैं. हम लोगों ने 33 रेलवे स्टेशन पर ट्रेनिंग दे करके एनजीओस को खड़ा किया और पिछले 3 महीने में 19,000 बच्चों को हमने पकड़ा जो बेगिंग के लिए या तो भागे गए थे या तो पकड़े गए थे. ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है. मेरे पास एक चीज़ है जिसका नाम है चाइल्ड लाइन. चाइल्ड लाइन में हमको 4,00,000 फ़ोन मिलते हैं हर महीने, जिनमें से 1,00,000 ऐसे बच्चे हैं जो सड़क पर हैं और जिनको हम वापस लाते हैं. ऐसे ऐसी चीज़ कहीं है नहीं दुनिया में. और इट्स इन रियल टाइम. अगर आप फ़ोन करें 10981098, 1 घंटे के अंदर अंदर यू गेट हेल्प इमीडिएटली. सवाल ये है कि ये बच्चे जो भीख मांगते हैं, कभी कभी तो अपने माँ बाप के साथ हैं, कभी कभी चोरी किए गए हैं, कभी कभी खुद भाग करके आ गए हैं और ड्रग्स पर सीधे चले गए हैं. और इन अगस्त वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि अगस्त में हम लोग एक जीरो टॉलरेंस मंथ टूवर्ड्स चाइल्ड बेगरी कर रहे हैं. पहले 6 बड़े बड़े मेट्रोज में जी. और पुलिस की मदद लेकर के वी आर एस्टैब्लिशिंग बैक एंडिंग फैसिलिटीज, यानी कि ओपन शेल्टर्स, चिल्ड्रंस होम्स. इनके इनको क्या करना है इन बच्चों के साथ, मैं हमेशा के लिए रखना नहीं चाहती हूँ. जिनको अपने माँ बाप के पास वापस जाना है वो जाएंगे, जो जिनके जो अनाथ हैं, जो चोरी किए गए हैं, वी विल ट्राई एंड फाइंड देम होम्स. नूपुर एक सवाल पूछना चाहती, छोटे सवाल करें. छोटे सवाल है प्रकाश जी आपसे. यंग स्टूडेंट्स को लेके उनके ऊपर जो प्रेशर है, जो भारी बस्ते दिखाते हैं, वर्कलोड है, उसके लिए अगर कोई नीतियां हो सरकार की, उस पर थोड़ी बात. जहां तक बोझ है जो स्टूडेंट्स को, आप वही कह रहे हैं ना कि जो दफ्तर ले जाती है या दूसरा कह रही है? हाँ, तो भारी बैग ले जाते हैं, उससे कैसे निजात मिले? इसके 2-3 प्रयोग देश भर में हुए हैं. अभी मैं छत्तीसगढ़ में था तो उन्होंने क्या किया, पिछले साल के स्टूडेंट्स के किताबें स्कूल में ही रखे. तो हर स्कूल में हर छात्र को एक एक खाना दिया है, उसमें वो किताब और नोटबुक्स लाके रखता है. अच्छा। और घर की किताबें और नोटबुक अलग और यहाँ अलग, तो कोई दफ्तर लेके नहीं आता. स्कूल का अध्ययन स्कूल में होता है, ये एक सिंपल उपाय है. लेकिन टैब देकर क्या हो सकता है? ऐसे कुछ स्कूल ने प्रयोग किए
तो इस बार हम केंद्रीय विद्यालय में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री जी की भी इसमें रुचि है कि इतना बड़ा भारी बोझ लेकर क्यों जाएगा, एक टैब में सारी किताबें होगी, एक टैब में वो लिख भी सकेगा, एक टैब से वो कुछ भी कर सकता है, तो वो वही उसका होना चाहिए जो पहले स्लेट होता था, अब टैब है तो उसी में काम चल सकता है। इसका प्रयोग इस साल से हम कुछ केंद्रीय विद्यालयों में शुरू कर रहे हैं और ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, मुझे पूरा विश्वास है सक्सेस होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जी हमारे साथ कुछ और लोग, अगर आपने शुरू करना पहले तो मेरे क्षेत्र से शुरू कर दीजिए। जी जी ऐसा शिक्षा में हर एक की रुचि है जी। हाँ, हम तो रोज इनको कहते हैं, हम अकेले नहीं है, सारे MPs कहते हैं कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय एक और लाया जाए क्योंकि इतना अच्छा उनका स्टैंडर्ड हो गया। बिल्कुल ठीक बात जी। मेरा सवाल मेनका मैम से, मैम विलेज एरियाज में वुमेन एम्पावरमेंट और जो भी आपने हेल्पलाइन नंबर बताए उसके रिगार्डिंग बहुत ही जीरो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो भी रही है तो नहीं पहुंच पाता। सबसे पहले ऐसे प्रोग्राम्स करके NGOs के जरिए अवेयरनेस, हम लोग 24 घंटे करते हैं अवेयरनेस। अब प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा है कि हर मंत्रालय से एक बुकलेट छोटी सी बन जाए लोकल लैंग्वेज में, जिसमें कानून जो आपने किए हैं, जो अन्य जो ज्ञान होना चाहिए, और हर प्रधान को भेज दें, वही हम कर रहे हैं। अगर हम सरपंचनियों को ट्रेन करें अच्छी तरह से तो वो भी ज्ञान दे सकते हैं, दूरदर्शन के जरिए कितने लाखों लोगों तक पहुँचाएगा, तो बहुत माध्यम है जो हम इस्तेमाल सब कर रहे हैं जी। हमारे साथ बस दो सवाल हम लेंगे। हाँ पूछो अपना सवाल जल्दी से। मैं मेरा सवाल आपसे है, बेसिकली सवाल नहीं है, एक इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने जैसे बात की फीमेल कांस्टेबल्स की, तो मैं नॉर्थ कैंपस रहती हूँ जहाँ पे आपको पता है कि सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ पे होली के टाइम कुछ लड़कों ने मुझ पर बलून मारा था, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ मारा होगा, और वहीं पर एक PCR वैन खड़ा था, जैसे ही मैं उनकी तरफ घूमती मैं उनसे कंप्लेन करती, वो हंसने लगे और बात करने लगे कि अरे क्या हो गया, लड़की को मार दिया, कोई नहीं होता रहता है। अब आप ये बताइए कि अगर दवा करने वाला ही दर्द बन जाएगा तो हम किसके पास जाएंगे? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर 33% औरतें थी तो वो शायद ये रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि जब पुलिस वाले को एक कॉलीग के साथ 24 घंटे रहना पड़ता है थाने में, तो वो बहुत सीखेंगे उनसे। जी गोविंद जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आज हमें पता है कि टॉप 10% तो चले गए अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, एम्प्लॉय हो गए, 90% की बात हमारे मित्र ने भी करी। आज प्रॉब्लम ये है कि जो स्कूल से निकल रहा है उसको बेस्ट ऑप्शन पता ही नहीं, तो क्या आप इस दिशा में सोच रहे हैं कि उसको उसकी जैसे विदेशों में कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है 12वीं से बाहर स्कूल लीविंग स्टूडेंट की, कि ये किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, तो 90% 80% जो हमारे गांवों और छोटे कस्बों में बच्चे हैं और जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाए, उनको पता ही नहीं, और वो एंड अप हो जाते हैं कुछ ऐसा कोर्स कर बैठते हैं जिसकी कोई एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, जिसमें उनकी रुचि नहीं। जिनको सही करियर गाइडेंस मिले, उनका एप्टीट्यूड मैपिंग हो, और साथ ही साथ हम एक उसको बहुत सारे अवसर और गाइडेंस का एक बड़ा पोर्टल खोल रहे हैं कि जिसमें उसको लगातार ये सवाल भी पूछेगा और उसको मार्गदर्शन भी मिलता रहे। जी और मेरे ख्याल से वक्त खत्म कर रहा है, इतना ही इजाज़त दे रहा है बात करने के लिए, लेकिन आप दोनों यहाँ आए और आपने इतने सारे सवालों के सीधे जवाब दिए, और हमें उम्मीद है कि सिर्फ आखिरी जब साल का अंत हो तभी आप स्टूडियो में ना आया करें, वैसे भी आया करें ताकि जनता जनार्दन को आपसे सवाल पूछे। आपके कार्यक्रमों में कितना आता था जब प्रवक्ता था, लेकिन अब है, आप बुलाओ हम आएंगे। जी थैंक यू सो मच, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। और इसके साथ ही आज का ये विशेष कार्यक्रम डायलॉग ए डीडी न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये पहली कड़ी है, अगली कड़ी का इंतजार करते रहिए और देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।